What's up everyone, welcome back to the channel. तो आइए आज हम अकाउंटेंसी में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग चैप्टर है. चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज. इस चैप्टर को कंसिडर करा जाता है द बेस फॉर अकाउंटेंसी. तो बहुत ध्यान से समझना, अगर तुम्हें जर्नल एंट्री आती है तो तुम्हें पूरी अकाउंट्स आती है, अगर जर्नल नहीं आती तो कुछ नहीं आता. आइए लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को. चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया जो कि है जर्नल एंट्रीज. याद रखना, कुछ बच्चे इसको जनरल समझते हैं, तो जनरल इज नॉट द वर्ड. शब्द क्या है? जर्नल. ठीक है, जर्नल का क्या मतलब है सर? एंट्रीज का क्या मतलब है सर? देखो समझो, अकाउंटेंसी को कंसिडर करा जाता है एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. कि बिजनेस में जो भी हो रहा है वो कौन बोलता है? अकाउंट्स बोलता है, अकाउंट्स रिफ्लेक्ट करता है. अब आप हर चीजें अकाउंट्स में किसी ना किसी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में तो रिकॉर्ड करोगे. वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो है उसको हम प्रॉपर वे में जब लिखते हैं तो हर चीज को एंट्रीज की फॉर्म में रिकॉर्ड करा जाता है. हर ट्रांजेक्शन को एंट्रीज की फॉर्म में रिकॉर्ड करा जाता है और उन ट्रांजेक्शन को जब एंट्रीज की फॉर्म में रिकॉर्ड कर देते हैं तो उनको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज. ठीक है, अब अकाउंट्स में आपको पता है कि हमारे पास जो सिस्टम है अकाउंटिंग का उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. अगर नहीं पता तो समझ के चलो, अकाउंटिंग सिस्टम को क्या बोला जाता है? डबल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है, वो भी पढ़ोगे आप लोग, लेकिन अभी फोकस करना है डबल एंट्री सिस्टम पे. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने ये पेन खरीदा तो मेरे पास पेन आया, मेरे पास से पैसा गया. किसी का खर्चा तो किसी की इनकम, किसी का नुकसान तो किसी का फायदा. आपने अपने स्कूल की फीस सबमिट करी तो आपके फादर की जेब में से पैसा गया, स्कूल की जेब में पैसा आ गया, है ना. हर चीज के देर आर एटलीस्ट टू इंपैक्ट्स. इसी सिस्टम को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. दैट इज व्हाई मैंने आपको पहले भी बताया था, अकाउंटेंसी में दो साइड्स होती हैं. एक होती है डेबिट साइड जिसको हम डीआर भी बोलते हैं, और एक होती है क्रेडिट साइड जिसको हम सीआर भी बोलते हैं. ठीक है, दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट. अब जर्नल रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो अप्रोच होती हैं. जर्नल रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो अप्रोच होती हैं. एक होता है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच. एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और एक मॉडर्न अप्रोच होता है. नाउ व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड व्हाट इज मॉडर्न अप्रोच? अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की तो ट्रेडिशनल में कुछ रूल्स अलग हैं और मॉडर्न में रूल्स अलग हैं. दो अलग अलग तरीके हैं, हम लोग दोनों ही सीखेंगे वन ऑन वन. दोनों से एंट्री सेम बनती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलो सबसे पहले कि रूल्स क्या हैं. हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखने वाले हैं. रूल्स क्या हैं जिनके बेसिस पे एंट्रीज होती हैं? तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तीन प्रकार के रूल्स होते हैं. ठीक है, एक होता है हमारे पास रियल अकाउंट का रूल. सर रियल अकाउंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा. एक होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट का रूल और एक होता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट का रूल. लिख के चलना अपने पास. ठीक है, हर चीज के नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए. इस चैप्टर पे टाइम लगाओ, इसे जल्दी मत करना, बाकी सब एक एक दिन में हो जाएंगे. इनमें टाइम लगाओ, रियल अकाउंट के रूल्स, पर्सनल अकाउंट के रूल्स, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स. ठीक है, अब समझो कि रियल क्या है. रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स ऑफ द बिजनेस. कि एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टीज, कैश, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, ये आ रहा है या जा रहा है, क्या रूल है. ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू पर्सन्स. कोई भी पर्सन्स हो सकते हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन्स हो, राम श्याम गीता सीता मीता, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन्स हो. आर्टिफिशियल में आपके पास हो सकते हैं कोई भी स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कुछ भी है. ठीक है, और नॉमिनल में हम बात करते हैं खर्चे. Incomes, gains. सही हो गया बेटा.
ये आपके पास बेसिक फंडामेंटल तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स। ऑल राइट, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे रियल में क्या रूल चलता है, तो रूल याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास अगर कोई भी चीज़ आती है तो उसको डेबिट करना है, और कोई भी चीज़ जाती है तो उसको क्रेडिट करना है। सर मतलब समझ नहीं आया, मतलब सिंपल है, मैंने पेन खरीदा, मेरे पास पेन आया, मेरे पास से पैसा गया, ठीक है, तो डेबिट जो भी आए उसको डेबिट कर दो, पेन को डेबिट कर दो, जो भी जाए उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर ये रूल नहीं लग रहा कहीं पे, तो दूसरा रूल लग सकता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है, ये भी नोट डाउन करो। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सभी एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करना है, सभी इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करना है। तो आपके पास ये तीन बेसिक रूल्स हैं जो चलते हैं, इनको आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे होता कैसे कैसे है, क्या क्या। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। फॉर्मेट नोट करो कैसे चलता है। सबसे पहले आपको ऐसे लाइंस बनानी है, ठीक है, ये दो साइड्स के लिए बनाओगे आप, इसको हम बोलते हैं डेबिट का अमाउंट और इसको हम बोलते हैं क्रेडिट का अमाउंट। एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ते हो, उसको हम बोलते हैं एल एफ। एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, ठीक है। फिर इधर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेट, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मेट है। सर लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, देखो जर्नल के बाद एक बुक बनती है जिसको बोलते हैं हम लेजर, वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। तो हर एंट्री किसी ना किसी पेज नंबर पे तो लिखी जाएगी ना, एक पेज पे तो सारी एंट्रीज नहीं आएंगी, तो लेजर के कौन से पेज पे वो एंट्री आई है वो पेज नंबर यहाँ पे डलता है। जर्नल में आपके पास कोई यूज नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब स्टार्ट करता हूँ मैं आपको रूल्स के साथ, ये फॉर्मेट नोट कर लो, सिखाना शुरू करता हूँ। सपोज हमने बात करी रूल्स क्या क्या हैं, पहले रूल की बात करते हैं, पहले फर्स्ट रूल सीखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपके पास कुछ भी आ रहा है और कुछ भी जा रहा है, ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है। ऑल राइट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, लेट सपोज फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश 10,000, सपोज ये है फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश 10,000, ये आ गया। अब आपको सोचना है, फर्नीचर खरीदा कैश में 10,000 रुपये में, रूल क्या है, जो भी आए उसको डेबिट कर दो, जो भी जाए उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। फर्नीचर आया मेरे पास, जो भी आ रहा है डेबिट, ठीक है, कैसे लिखेंगे, जो भी आया वो डेबिट, तो मैंने लिखा फर्नीचर, उसके बाद आप अकाउंट लगा दो ऐसे, फर्नीचर अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस दो, स्पेस देके यहाँ पे लिखो डीआर, डीआर मींस आपने डेबिट कर दिया। डेबिट क्यों करा, क्योंकि फर्नीचर आया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आए डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया। कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको क्रेडिट करना है। क्रेडिट में आपको सीआर लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि एक चीज डेबिट हुई है तो दूसरी अपने आप क्रेडिट ही होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, स्पेस देना है, यहां लिखना है टू कैश
अकाउंट, बस इस तरीके से टू इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेट, ये आपको जरूर लगाना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना 10,000, ऐसा आप लिख दोगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, ऐसा आप लिख दोगे। इसके नीचे क्या करते हैं हम, इसके नीचे हम इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमने किस चीज की एंट्री करी है। तो ऐसे लिखते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। इसको हम बोलते क्या है, ये एक्सप्लेनेशन को, एक्सप्लेनेशन को हम लोग बोलते हैं नरेशन। नरेशन सर एग्जाम में लिखनी जरूरी होती है, हाँ जी लिखनी है, ठीक है। नरेशन को लेके कंफ्यूज मत होना, ये एक तरीके की ट्रांजेक्शन ही है, बस दोबारा उतार दो। सही, एक और पढ़ते हैं। सपोज अगली ट्रांजेक्शन आई मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश 5,000, आपके पास मशीनरी आई 5,000। अच्छा एक चीज और देखो, डेबिट वाला डेबिट में लिखना है, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखना है, राइट। अच्छा अब क्या हो रहा है, अब मशीनरी आ रही है 5,000 रुपए की, मशीनरी खरीदी, तो रूल क्या है, जो भी आए उसको डेबिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि पैसा जा रहा है ना, डेबिट जो आ रहा है क्रेडिट जो जा रहा है 5,000, और क्रेडिट में भी 5,000, और नीचे क्या लिख दोगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। ठीक हो गया, ये भी हमने नोट डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और अगर मैं बात करूं, सपोज ऐसा लिखा आ जाए चेयर, तो फर्नीचर ही हो गया। कार, कार सोल्ड फॉर कैश 50,000, हमने गाड़ी बेच दी। सोचो यार गाड़ी बेच दी, इस बार क्या गाड़ी आई या गाड़ी गई, इस बार तो गाड़ी गई हमारे पास से, बेची तो पैसा आया, बेची तो पैसा आया ना, तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी आया उसको डेबिट करो। किसको डेबिट करें, किसको डेबिट करें सर, कैश को डेबिट करो इस बार, क्योंकि इस बार पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, कार क्रेडिट, क्योंकि कार गई हमारे पास से। याद रखो फॉर्मेट्स, हल्की सी स्पेस छोड़ के आगे से शुरू करना है ये हमेशा। देखो स्पेस दे रहा हूं ना मैं बीच में, ऐसा कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट कितना 50,000। ठीक हो गया बेटा जी, दिस इज हाउ द रूल फॉर रियल अकाउंट कम्स इन टू प्ले, और ये आपको मदद करता है एंट्री इस प्रकार से कराने में, समझे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब हम फर्स्ट और सेकंड रूल के बारे में थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ चीजें पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रिसीवर और गिवर, इनकी बातें करेंगे। यानी कि कौन सा रूल, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट का रूल, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले सपोज ये फर्नीचर परचेज फॉर कैश था, मैं इसी को ऐसा लिख दूं फर्नीचर परचेज फ्रॉम चिंटू 10,000। अब लैंग्वेज को पकड़ो, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश एंड फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम चिंटू, दोनों में फर्क क्या है, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश एंड फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम चिंटू, फर्क समझने की कोशिश करो। यहां पे स्पेसिफिकली कैश मेंशनड है, यहां पे कैश नहीं है, यहां पे एक नाम मेंशनड है जिसका नाम है चिंटू। याद रखो कहीं पे भी नाम आ जाए तो नाम से समझ जाना ये ट्रांजेक्शन उधार का ट्रांजेक्शन है। उधार का क्या मतलब सर, उधार मींस फर्नीचर तो खरीदा है
लेकिन अभी पैसा नहीं दिया। ऐसा होता है ना, कई बार हम सामान ले आते हैं, पैसा बाद में देते हैं, इसको बोलते हैं उधार वाली ट्रांजेक्शन या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पर सर क्रेडिट का मतलब तो राइट साइड होता था बच्चे, एक नाम के दो मतलब भी तो होते। सेम यहां पे सिचुएशन है, एक नाम के दो मतलब हैं। डेबिट की जगह क्रेडिट यहां पे जो यूज हो रहा है, ये डेबिट क्रेडिट वो साइड्स वाला डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब उधार है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा सर उधार कहां पे है कहां पे क्रेडिट है? बच्चे क्रेडिट यूजुअली जो आप यूज करते हो वो उधार के लिए यूज करते हो। साइड्स तो यार पता ही होता है, राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट, वो उसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब देखो सर इसमें रूल पे क्या इंपैक्ट आएगा समझते हैं। सबसे पहले फर्नीचर खरीदा, चिंटू से उधार में खरीदा, आप पहला रूल लगाओ। पहला रूल डेबिट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या डेबिट का ये रूल लगता है? कुछ आ रहा है क्या हमारे पास? डेबिट व्हाट कम्स इन कुछ आया? फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट का तो यही वाला रूल लग गया। तो मैं लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फॉर्मेट वॉर्मेट बना लेना, आ गया तुम्हें बनाना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट मैंने ऐसे लिख दिया, कितना? 10,000 रुपये। ओके, अब डेबिट का तो काम हो गया, चलो क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है? सर इसमें तो कैश जा रहा था तो हमने फर्नीचर टू कैश लिख दिया था, लेकिन इस बार तो उधार है, जा तो कुछ भी नहीं रहा, फर्नीचर लाया जरूर ऊपर बदले में दिया तो कुछ भी नहीं, तो ये तो नहीं लगेगा। क्रेडिट द गिवर ये लग सकता है क्या? क्या गिवर का नाम पता है जिसने हमें फर्नीचर दिया है? क्रेडिट द गिवर, यस गिवर इज चिंटू, चिंटू ने दिया है ना हमें ये फर्नीचर, तो हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू चिंटूज अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू चिंटूज अकाउंट 10,000 रुपये। सर नाम के साथ क्या अपोस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी है? हाँ बेटा, नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस जरूर लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई गाड़ी है तो रजत कार चलेगा या रजत कार चलेगा? रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप चीजों को, है ना? फॉर एग्जाम्पल आपका नाम चिंटू है, आपका घर है, तो चिंटू हाउस लिखोगे या चिंटूज हाउस लिखोगे? वही बात है, किसका अकाउंट है? चिंटू का, तो चिंटूज अकाउंट लिखोगे ना। ये चिंटू अकाउंट क्या होता है? क्या है चिंटू अकाउंट? कुछ नहीं है, ग्रामेटिकल एरर कर दोगे सर, लेकिन हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ग्रामर क्या बेटा, सब पढ़ते हो, 500 का होता है, इंग्लिश भी आती है ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू चिंटूज अकाउंट, अब देखो डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे फर्नीचर टू कैश आया था, दोनों रूल पहले वाले ही लग गए थे, लेकिन कभी कभी दोनों नहीं लगते एक साथ, अलग अलग रूल भी लगाने पड़ते हैं सर, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, हो जाता है। वीडियो दो बार देखो, प्रैक्टिस होगी। देखो फिर से रूल लिखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सबसे पहले अब एक ट्रांजैक्शन और देखते हैं, सोल्ड फर्नीचर या मशीनरी ले लो इस बार, सोल्ड मशीनरी टू चिंटी 5,000। मशीनरी बेच दी चिंटी को, वीडियो पॉज करो, कमेंट में लिखो कि ये कैश की ट्रांजेक्शन है या ये उधार की ट्रांजेक्शन है, उसके बाद चेक करना, पहले कमेंट कर दो फिर पता चलेगा। सोल्ड मशीनरी टू चिंटी, हम माल मशीनरी बेच रहे हैं चिंटी को। नाम आ गया सर, नाम आ गया, इट मींस दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, माल बेच दिया बट पैसा नहीं आया अभी, है ना। चलो शुरू करते हैं रूल लगाना। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आए उसको डेबिट कर दो। मैंने मशीनरी बेच दी, क्या मेरे पास कुछ पैसा वैसा आ रहा है? पैसा तो आ नहीं रहा तो ये रूल तो नहीं लगेगा। दूसरे पे चलते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्या कोई रिसीवर है जिसको बेची हो आपने मशीनरी? हाँ चिंटी रिसीवर है ना, है ना, इसको डेबिट करो इस बार। ये तो नहीं लगा क्योंकि पैसा आया ही नहीं भाई, ये तो तब लगता है कुछ आए या कुछ जाए, ऐसा आया ही नहीं, तो रिसीवर को डेबिट करो। चिंटीज अकाउंट डेबिट टू, क्या बेचा है? मशीनरी बेची है तो क्या क्रेडिट कर दूं? व्हाट गोज आउट, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं नहीं करते हैं? क्रेडिट का पहला ही रूल लग गया, टू मशीनरी।
समझे कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं? आपको बड़े ध्यान से समझना है कि पहला रूल लग रहा है या दूसरा रूल लग रहा है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये दोनों इकट्ठे ही चलेंगे। हो सकता है डेबिट इसका लग जाए, क्रेडिट इसका लग जाए, हो सकता है डेबिट इसका लग जाए, क्रेडिट इसका लग जाए। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि दोनों एक साथ ही चलेंगे। ठीक है, आओ कुछ और चीजें देखते हैं। तीन ट्रांजेक्शन लिखते हैं, चलो ये आपने नोट डाउन कर ली होगी, इन्हें हटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा नंबर वन, साइकिल परचेज्ड फॉर कैश। नंबर टू, साइकिल सोल्ड टू राहुल। नंबर थ्री, मशीनरी सोल्ड। बस ऐसे लिखा हुआ है, 1,000, 2,000, 3,000। चलो अब सोचो, साइकिल परचेज्ड, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या कुछ भी आ रहा है डेबिट कर दो, साइकिल आ रही है डेबिट कर दो, साइकिल अकाउंट डेबिट। ठीक है, फॉर कैश, क्या पैसा जा रहा है क्रेडिट कर दो, कुछ भी जा रहा हो तो, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री हमारी हो गई, पहले वाला रूल लग गया, आसान। दूसरा लिखा है साइकिल सोल्ड टू राहुल, नाम आ गया सर राहुल, तो उधार होगा है ना, साइकिल बेच दी, पैसा नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, ये रूल तो लगा नहीं। रिसीवर, क्या ये लग जाएगा, राहुल रिसीवर है, यस सर, तो राहुल को डेबिट कर दो, राहुल्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट की बात करूं तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यही लग जाएगा, साइकिल जा रही है ना, राहुल्स अकाउंट डेबिट टू साइकिल अकाउंट 2,000। ओके, नाउ दिस इज योर होमवर्क। मशीनरी सोल्ड, ना नाम लिखा है ना कैश लिखा है, तो क्या मानोगे, किस तरीके से करोगे, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसकी क्या एंट्री होगी। आई होप आपको शुरू के दो रूल समझ में आए होंगे। तीसरा रूल अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और फिर हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले आएंगे। जर्नल एंट्री पूरी इन्हीं रूल्स के बेसिस पे होगी, करते चले आएंगे और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। बाकी चीज़ें आगे आने वाली क्लासेस में बताते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।